ईद मुबारक। बिरयानी बनाएगी, सारा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। प्रोडक्शन टीम आधे घंटे में पहुंचने वाली है। ब्लैक पेन और मच्छर इतना ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू रेस्ट व्लॉग्स, वेलकम बैक टू वेरी 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 ब्यूटीफुल डे। का दिन शुरू हो चुका है और आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है। आज हम सारा दिन ईद सेलिब्रेट करने वाले हैं। चर्च वगैरह हम कराए, जल्दी जल्दी से रेडी होते हैं, अब तो शूट वगैरह करवाते हैं। लोकेशन हमने फाइंड नहीं की अभी तक, लोकेशंस भी देखते हैं। और उसके बाद आज हमने क्या क्या वेयर किया है, क्या क्या पहना है, वो सब आपको साथ साथ दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून। तो गाइस, पिछले 2.5 घंटे से हम वेट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन टीम का। प्रोडक्शन टीम अभी तक नहीं आई और ना ही हम रेडी हुए हैं। ऊपर पंखा चलता है, नीचे सारा सोती है। सारा ऑलमोस्ट फ्रेश हो गई थी, ऑलमोस्ट क्या, प्रॉपर फ्रेश हो गई। मैंने अपने हेयर वॉश किए, फिर अपना समझ रही हो ना, तो अब सारा लगाएगी। सारा की मेहंदी देखें कैसी लग रही है। ये वाली सारा ने खुद लगाई, ये वाली सारा ने तारा से लगवाई, क्योंकि सारा लेफ्टी नहीं है तो सारा उल्टे हाथ से नहीं लगा सकती। और ये वाली भी सारा ने खुद लगाई। सिंपल सी दिल कर रहा था कुछ ऐसे, मेरी दादी लगाया करती थी। किसी गाइस, सारा सुबह से काम भी कर रही थी। सारा ने किचन का सारा काम किया, सारा ने घर का सारा काम किया। सारा घर की बड़ी बेटी है तो ओब्वियसली सारा को ये सब करना ही था। सारा को गेस्ट भी संभालने हैं, सारा को जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सबको ईद मुबारक भी कहनी है, कॉल्स कर कर के। पप्पो जी ईद मुबारक, चाचू जी ईद मुबारक, मामू जी ईद मुबारक, बड़े भैया ईद मुबारक, बड़ी दीदी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक कहनी है। तो सारा ने बहुत सारा काम किया। सारा ने खाने बहुत ज़्यादा बनाए। अभी बिरयानी बनाएंगी सारा और उन लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो के वो नहीं होते यार मांगने वाले, उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अभी सारा को कुछ मीठा खाना था तो सारा मीठा खा रही है। मैनू भी दे। फ्रिज बंद नहीं की पागल। बंद भी कर दी ऊपर वाले में। तो गाइस, अभी हम रेडी होने लगे हैं। अभी कासिम भाई को बोला आई है कि प्रोडक्शन टीम आधे घंटे में पहुंचने वाली है घर। वो आ गए तू तो मेरा, और आपने आधे घंटे के अंदर अंदर रेडी होना है यार। सूरज बारह बिठा दो यार। कौन है ये लोग? सारा 2 दिन से गला ख़राब है सारा का बहुत ज़्यादा। सारा ने खाई थी खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी। सारा ने जिंदगी में पहली दफ़ा स्ट्रॉबेरी खाई, क्योंकि सारा को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद, तो सारा ने पता नहीं क्या सोच के खा ली। सो गाइस, अभी आ गए हम लोकेशंस पे। और थोड़ी सी झाड़ियों वाली हमने लोकेशन लिया क्योंकि नज़दीक में यही थी। तो अभी हमने अपना फर्स्ट ड्रेस ले लिया, पहली ड्रेस है। तो सागर भाई भी रेडी हो गया, हैंडसम बॉय लग रहे हैं। इधर आओ, सॉरी इधर। तो पहली दफ़ा ज़िंदगी में, पहली दफ़ा सच में ये इंसान पहली दफ़ा इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है। वो भी ये क्योंकि आज मैंने इसे कहा था, वो भी इसलिए क्योंकि आज ईद है। दीन, आ जाओ। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे। यहाँ पे छाँव है, यहाँ पे लगता है ज़्यादा अंधेरा है। मेकअप ठीक है अभी। All looking cute. So guys, अभी एक शॉट ही ले पाए हैं हम। अच्छा ये बात, उसमें भी इतना टाइम लग गया, लेकिन यार भी लोग भी साथ साथ दिखाना है। तू ना बच्चे पर मेरी तो नहीं बच लिया यार, तुमने तो बीच में आना है ऑफ कोर्स, लेकिन धूप अभी भी बहुत ज्यादा तेज है। गाइस, हम देखो कैसे गरीब ये इंसान मारी उठ। चल बैठो मेरे साथ नीचे, बैठो बैठ।
अभी पापा लोगों का फोटोशूट चल रहा है, तो जैसे ही उनका फ्री होता है तो देन हम नेक्स्ट ड्रेस चेंज करते हैं। तो देखो उनका फोटो सारा थक गई है, मैं भी थक गई इसीलिए ऐसे बैठी हुई हूँ। ये जान के अब स्टाइल में बैठा, पहले गरीबों की तरह ही बैठा हुआ। जेन ये तो रास्ता बहुत खराब है, गुस्सा अंदर लेके आनी है ईंट। मैंने अपनी ईंट ले लिया क्योंकि हमने नीचे बैठना है, तो मैंने कहा मूसा रास्ता खराब है थोड़ा ध्यान से। चलें जी गाइस, अब हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं, मतलब फ्री नहीं हुए, ये वाले कपड़ों से हम फ्री हो चुके हैं, अब हमने चेंज करना है। सो गाइस दिस इज आवर सेकंड लुक, फाइनल बोलने लगी थी। तारा ने और मैंने फ्रॉक पहनी है, डिज़ाइन सेम है बस कलर चेंज है, और मैंने अभी दुपट्टा लिया हुआ, अभी जुलीस पहनती हूँ और शूट करवाते हैं। सन चला गई यहाँ, कितनी बुरी बात है लाइट चली गई। सो गाइस यहाँ पे हम अपना शूट कर रहे थे, मच्छर बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ इग्नोर करें मच्छर को। सूरज चला गया, शूट हमारा शायद अनकम्प्लीट ही रह जाएगा, इतना कुछ प्लान किया था, इतने ज्यादा आइडियाज थे तो वो सारे रह गए। फुल वाइड नहीं थे तो अभी क्या करे क्या करे, ब्लैक पेन और मच्छर इतना ज्यादा आ रहा है। जैन क्यों रो रही है? सो गाइस अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, यहाँ पे हमारा शूट कंप्लीट नहीं हुआ, इस ड्रेस में हमारा शूट जो है वो रह चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर इसको कंटिन्यू करेंगे किसी दिन, अभी तो नहीं हो पाया। अभी तो मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सुबह से जाहिर है किचन में इतना ज़्यादा काम किया है, उसके बाद फिर ये शूट पर तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी रेस्ट करते हैं और बाकी सुबह देखते हैं कि क्या करना है। तारा लाइट पकड़ के खड़ी है, लाइट आए कितनी तो पीछे लेके चल, लाइट पकड़ के खड़ी है क्योंकि मैंने व्लॉग ही कर दिया, मैंने कहा कि चलो व्लॉग का एंड करती हूँ, पीछे लेके जा लाइट है ज़्यादा शार्प हो रही है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड जस्ट कीप कमेंट, और एक बार फिर से मेरी तरफ से, तारा की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।